भारतीय क्रिकेट के ऐसे महानतम जो पूर्व खिलाड़ी हैं, जिनमें श्री सुनील गावस्कर जी, श्री कपिल देव जी, श्री गुडप्पा विश्वनाथ जी, श्री सचिन तेंदुलकर जी, श्री रवि शास्त्री जी, श्री दिलीप बैंग सरकर जी, श्री करशन धावड़े जी, श्री मदनलाल जी, श्री गोपाल शर्मा जी, सुश्री नीतू डेविड जी, सुश्री शुभांगी कुलकर्णी जी और बीसीसीआई के चेयरमैन श्री रोजर विन्नी जी, ये सभी यहां पर उपस्थित हैं और बीसीसीआई के सचिव जिन्होंने विशेष रुचि वाराणसी के इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ली है, श्री जय साजी। और भाइयों बहनों, क्रिकेट कैसे जोड़ने का कार्य कर रही है, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष श्री राजीव शुक्ला जी की उपस्थिति इस दिशा में हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। मैं इन सभी दिग्गजों का भी अविनाशी काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में वैश्विक स्तर पर चमक रही काशी में, उन्हीं की काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारतीय क्रिकेट के इन सभी धुरंधर महानतम खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के दौरान हमने पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को देखा है। प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और खेल और खिलाड़ियों के बारे में पूरे देश की सोच को बदला है। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा के माध्यम से, जहां देश के अंदर खेल और खिलाड़ियों के प्रति लोगों की धारणा को बदलने में बड़ी भूमिका का निर्वहन हुआ है, वहीं साथ ही साथ खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हर जनपद में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना का कार्य, हर गांव में खेल के मैदान का कार्य बनाने का कार्य, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाने का कार्य और साथ ही साथ जनपद स्तर पर स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ी है। ये वाराणसी में पहले से ही स्मार्ट सिटी मिशन और भारत सरकार के सहयोग से एक स्टेडियम का निर्माण वर्तमान में चल रहा है और यह उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल और बीसीसीआई के द्वारा निर्मित किया जाने वाला पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रिकेट प्रेमियों को खेल के प्रति इस जुनून के साथ जोड़ने का एक अद्भुत मंच प्रदान करेगा। मैं इस अवसर पर बीसीसीआई के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश और काशी को इस उपहार देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि सर रिमोट का बटन दबाकर आज इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास की कृपा करके हम सबको अनुग्रहित करें। हम सब आपका अभिवादन करते हैं, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, नतमस्तक हैं हम आपके सोच के, आपके विजन के। और एक छोटी सी ऑडियो वीडियो देखते हैं हम लोग कि आखिर इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में क्या क्या खास है। वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने और निरंतरता वाले शहरों में से, जिसकी भारत की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में भी मान्यता है। दिव्यता,
और आध्यात्म से परिपूर्ण काशी 2000 से भी अधिक मंदिरों, रमणीक घाटों और पवित्र तीर्थ स्थलों के लिए विश्व विख्यात है। माननीय प्रधानमंत्री और काशी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में काशी में पिछले 9-10 सालों से अभूतपूर्व विकास की जो अविरल धारा बह रही है, उसमें एक और अहम अध्याय जो रहा है, क्योंकि यहाँ एक विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम भी बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश, जहाँ क्रिकेट सितारों की एक लंबी श्रृंखला है, उन्होंने भारत को खासी प्रसिद्धि दिलाई है। इनमें शामिल हैं सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ, पूनम यादव, आरपी सिंह, भुवनेश्वर कुमार, गोपाल शर्मा, प्रवीण कुमार, कुलदीप यादव, पीयूष चावला, रिंकू सिंह सहित कई खिलाड़ी। काशी का क्रिकेट स्टेडियम काशी को इस खेल का एक नया हब बनाएगा। यूपी के पूर्वी क्षेत्र के क्रिकेट प्रेमियों को लाइव मैचों का अनुभव करीब से मिलेगा। युवा प्रतिभाओं को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे। साथ ही टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इस स्टेडियम को गंजरी गांव में 30 एकड़ के क्षेत्र पर बनाया जाएगा। स्टेडियम 30,000 की क्षमता वाला होगा, जिसका भविष्य में 40,000 तक विस्तार किया जा सकेगा। साथ ही होंगी खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं, 9 पिच, HD ब्रॉडकास्ट के लिए फ्लड लाइटिंग मास्ट, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम, प्लग इन प्ले ब्रॉडकास्टिंग ढांचागत सुविधाएं, पार्ट रूफ, एक्सक्लूसिव नेट वाले प्रैक्टिस ग्राउंड और पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह है।